रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स, है ना, दो कंडक्टर के बीच में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पहले से जो चार्ज रहता ही है उसके बाद भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज, कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहला काम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है, इसमें होगा क्या, जरा देखिए, कहा गया जैसे दो कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे जब हम चार्ज देंगे, दोनों पे डिफरेंट चार्ज है Q1 और Q2, तो उसका कैपेसिटेंस भी डिफरेंट है। डिफरेंट चार्ज कलेक्ट किया है तो कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा ही, क्या पोटेंशियल भी डिफरेंट हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा क्योंकि डिफरेंट चार्ज आपने दिया है। कोई कंडक्टर जितना कलेक्ट चार्ज को कलेक्ट करेगा वही उसी कैपेसिटेंस होता है। तो मान लीजिए कि दो कैपेसिटी कंडक्टर है, एक ये और एक दूसरा कंडक्टर यहां पे दिया हुआ है। इस कंडक्टर पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। ठीक है, चार्ज इस पे Q1 और Q2 गिवेन है। इस तरीके से चार्ज इस कंडक्टर पे गिवेन है। इस पे पोटेंशियल कुछ कैपेसिटेंस होगा, इसका कैपेसिटेंस इसका C1 और इसका कैपेसिटेंस C2 है। जब चार्ज कलेक्ट किया है तो कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा। मान लीजिए इसमें कम चार्ज कलेक्ट किया है, कम चार्ज कलेक्ट किया है तो Q1 कैपेसिटेंस इसका C1 है, और इसमें ज्यादा चार्ज कलेक्ट कर लिया है तो कैपेसिटेंस इसका C2 हो गया। जितना चार्ज कलेक्ट करेगा उतना ही ना ज्यादा पोटेंशियल होगा। चार्ज और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। यहाँ पर पोटेंशियल भी इसका भी होगा और इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका V1 पोटेंशियल और इसका V2 पोटेंशियल होगा। क्लियर है, अगर हम इसमें कैपेसिटेंस लिखना चाहें तो क्या होगा, कैपेसिटेंस या फिर चार्ज लिखना चाहते हैं, इस पर चार्ज है कितना, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, इस पे चार्ज कितना है, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है, इनिशियल स्टेट में है। जब हम इसमें वायर से कनेक्ट कर देंगे, वायर से जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो होने लगेगा, चार्ज का फ्लो होने लगेगा। क्यों चार्ज का फ्लो होगा, कारण बता सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल नहीं है दोनों में। यहां पे पोटेंशियल V1 और यहां पे पोटेंशियल V2 है ना, डिपेंड पोटेंशियल है, इसलिए चार्ज का फ्लो होगा ही। जब हम इसे वायर से कनेक्ट करेंगे तब, वायर से कनेक्ट करेंगे, देखिए जब मैं इसे वायर से कनेक्ट करूंगा, आफ्टर कनेक्टिंग वायर जब वायर से हम इसे कनेक्ट करेंगे दोनों कंडक्टर को, तब देखिए क्या होता है, ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया हमने, तो मान लीजिए कि यहां पर V1 ज्यादा है V2 से, V1 ज्यादा है V2 से, तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, V2 से V1 की ओर, ज्यादा से कम की ओर होता है ना, चार्ज का फ्लो किधर से किधर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर।
इसका पोटेंशियल हाई है, वी वन का इधर से इधर की ओर चार्ज का फ्लो होगा, इधर की ओर चार्ज का फ्लो होता चला जाएगा। और ये चार्ज कितना हो जाएगा, अब इस पे चार्ज यहां से देखिए फर्स्ट कंडक्टर से चार्ज डिक्रीज करने लगेगा और सेकंड कंडक्टर पे चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, होगा ना, चार्ज इस पे इंक्रीज करता चला जाएगा। चार्ज का फ्लो करा दिया हमने वायर से कनेक्ट करने के कारण, जब कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो हुआ है। आप कनेक्ट भी करेंगे अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो इसका चार्ज का फ्लो हायर से लोअर की ओर होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों में चार्ज इक्वल ना हो जाए, है ना, जब तक दोनों में चार्ज इक्वल नहीं होगा तब तक इसमें चार्ज का फ्लो होते रहेगा। है ना, ये चार्ज का फ्लो इसमें से इसमें इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में कब तक होगा, चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है तो इधर से इधर की ओर तब तक होगा जब तक दोनों ओर पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जब दोनों ओर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा अब इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका भी वी होगा पोटेंशियल और इसका भी होगा, होगा ना सेम पोटेंशियल, अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। एक बार फिर से जरा इसे समझिए, कहा गया दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये और ये दूसरा कंडक्टर है, ध्यान दीजिए, दो कंडक्टर में जब इसको चार्ज दिया जाएगा क्यू वन तो कैपेसिटेंस इसका कुछ चेंज होगा ना, चार्ज कलेक्ट करने की कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहते हैं, तो सी वन कैपेसिटेंस होगा तो फिर इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज से बढ़ दीजिएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, वी वन होगा। और दूसरे वाले का क्यू टू चार्ज है तो कैपेसिटेंस भी सी टू है और पोटेंशियल वी टू है, तो आखिर इसमें चार्ज है कितना, इस पे टोटल चार्ज है कितना, तो सी वन वी वन होगा, इस पे चार्ज कितना है सी टू वी टू होगा। दो कंडक्टर पहले आपको मिल गया है डिफरेंट पोटेंशियल का मिल गया, अब कह रहा है कि अगर हम इसे वायर से कनेक्ट कर दें तब क्या होगा, जब दोनों कनेक्टर को हम वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो पोटेंशियल तो देख रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं वो खोजेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो है, यहाँ वी वन पोटेंशियल ज्यादा है वी टू से ज्यादा है, तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, हायर से लोअर की ओर होगा, इसके इससे इधर की ओर चार्ज का फ्लो होगा, तो फिर क्या होगा, इससे चार्ज का फ्लो इधर होने लगेगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज, डिक्रीज करेगा, चार्ज उधर आप निकल रहा है इसमें से तो पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर रहा है और इसमें चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। आखिर ये काम कब तक होगा, जब तक कि दोनों में पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, जैसे ही दोनों में पोटेंशियल इक्वल होगा कि चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है, उस समय में जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाए तो समझ जाना है कि दोनों में पोटेंशियल सेम हो गया। आखिर वो पोटेंशियल है कितना वो मेजर करना पड़ेगा, है ना, वो कॉमन पोटेंशियल कहा जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। तो ये कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल भी बराबर क्या लिखिएगा, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला जाए, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, है ना, टोटल चार्ज में अगर टोटल कैपेसिटेंस हम डिवाइड कर दें पोटेंशियल मिल जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वी बराबर क्यू बाय सी होता है ना, क्यू बाय सी होता है, तो टोटल चार्ज बाय टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस टोटल चार्ज क्या होगा, देखिए टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस A2। Q1 क्या आया है,
क्यू1 जरा देखिए यहाँ पर क्या आया है, C1 V1 और C2 V2 है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल कैसे आया समझ में आ गया है? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ये तो बेसिक है। तो कॉमन पोटेंशियल कहा गया टोटल चार्ज बाय दिस। अब कॉमन पोटेंशियल भी हमें मिल गया। अब जो ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो चार्ज तो डिफरेंट हो जाएगा ना, चार्ज यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज अब हो जाएगा डिक्रीज होकर के Q1 डैश, और इस पे चार्ज इंक्रीज होकर बढ़ जाएगा ये Q2 डैश, है ना। तो आखिर इस न्यू चार्ज और पुराने चार्ज में क्या डिफरेंस है, क्या रेशियो है, किस रेशियो से डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ये निकालेंगे। पहले इतना को नोट कर लीजिए, इवेंट समझ में आ गया है, लिखेंगे लैंग्वेज। लेट ए एंड बी बी टू कंडक्टर्स ऑन विच चार्ज Q1 कमा कैपेसिटेंस C1 एंड पोटेंशियल V1 ऑन कंडक्टर A बट चार्ज ऑन कंडक्टर बी इज Q2 सो कैपेसिटेंस इज C2 एंड पोटेंशियल इज V2। इन्हें लैंग्वेज लिखने के बाद फिगर ड्रा करना है। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम होने तक। सो न्यू चार्ज विल बी Q1 डैश एंड Q2 डैश। ये लैंग्वेज लिख दीजिए।
हो गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे, इस दोनों चार्ज का रेशियो क्या है। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज तो रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे जितना चार्ज था अब पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं। यहाँ पे अब चार्ज कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे डिक्रीज करके क्यू वन डैश बन गया और वहाँ इंक्रीज करके क्यू टू डैश बन गया। यही काम हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर में तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है, इससे कितना चार्ज गया इस पर, ये तो खोजेंगे ना। कितने अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर गया है वो मेजर करेंगे। तो अभी लिखना नहीं है, समझिए इसको। चार्ज रेशियो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन या कनेक्टिंग वायर वायर से कनेक्टिंग के बाद की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश होगा। ये क्यू वन डैश क्या है, क्या होगा, सी वन भी अपॉन सी टू भी तो कैंसिल, मतलब सी वन अपॉन सी टू होगा, समझ गए। इस दोनों के कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। आप चाहेंगे ना किस रेशियो में यहाँ ट्रांसफर हुआ चार्ज, तो दोनों के कैपेसिटेंस का जो होगा रेशियो, इनिशियल वाला बिना कनेक्ट करने से पहले जो कैपेसिटेंस था C1 और C2, उसी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो C1 बाय C2 होगा। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट होगा ये आ गया। अब कहा गया कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज है ना, कितना क्वांटिटी ट्रांसफर हुआ चार्ज का, क्या करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू पहले क्यू था और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्यू वन डैश हो गया ना, तो क्यू माइनस क्यू वन डैश करेंगे। क्यू क्या है, क्यू इक्वल टू क्या था, क्यू वन माइनस क्यू वन डैश हमने किया है। क्यू वन क्या आया था, सी वन भी वन माइनस क्यू वन डैश क्या आया है बताइए, क्यू वन डैश की बात कर रहे हैं, तो क्यू वन डैश है क्या, यही सी वन भी है ना, सी वन भी है और भी क्या है, कॉमन पोटेंशियल है, क्या यहां पर दिक्कत है क्या, तो सी वन भी वन माइनस सी वन और भी वन भी के जगह पर क्या लिखे, वही यहां आया है, सी वन भी वन प्लस सी टू भी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, ये कॉमन पोटेंशियल भी के बदले मैंने लिखा है, ऐसा हमने क्या किए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन ये क्यों क्यों किया गया है, कैसे मेजर करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ये मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये यहाँ से कितना डिक्रीज कर गया, यही ना, क्यू वन माइनस क्यू वन डैश करिएगा तो आ जाएगा कि कितना इन चार्ज ट्रांसफर हो गया है। अब इसे कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, कनेक्शन के बाद स्पेस कम है, मैं इसे इरेज करूंगा, फिगर तो बना लिए ना सब लोग, फिगर बना चुके हैं, तो आगे इसके आगे जस्ट इसके आगे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
जब चार्ज एक बड़ी से कनेक्टर ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे जब चार्ज का ट्रांसफर होता है ना, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी, आखिर वो पोटेंशियल एनर्जी जाता कहाँ है, तो वायर में हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वायर गर्म हो जाता है, चार्ज के फ्लो होते होते वायर गर्म हो जाता है, वो हीट मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का वायर से कनेक्ट करने पर, क्योंकि वायर गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में उसमें से एनर्जी लॉस हो जाता है, तो वो एनर्जी मेजर करना है, ठीक है ना, वो एनर्जी मेजर करेंगे। तो जैसा इसके बाद जो है हमें सीधे C1V1 LCM ले लीजिए, है ना, LCM C1V1 माइनस C1 से पहले ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C1 square V1 प्लस C1 C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 plus C2 होगा ना ऐसा। अब इसका LCM ले लीजिए, C1 plus C2 C1 V1 C1 plus C2 माइनस, ये तो सेम रह जाएगा ना, C1 square V1 इस माइनस का इसका साइन चेंज कर दूं मैं, माइनस यहाँ पे C1 C2 V2, कोई दिक्कत है क्या, हम मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो C1 square V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 square V1 माइनस C1 C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 plus C2, तो कैंसिल होगा क्या इसमें से, इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, अब तो नहीं कैंसिल होगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए C1 C2 और V1 minus V2 डिवाइडेड बाई C1 plus C2, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से ट्रांसफर हो जाएगा, समझ गए, ये क्या आया डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है, दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ पोटेंशियल, है ना, एक ट्रिक को याद रखिएगा कि चार्ज का कितने अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, जब भी आपको क्वेश्चन का लेवल हाई करना होता है, डिफिकल्ट करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ये टॉपिक समझ रहे हैं, आसानी से समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इतना चार्ज इतना लॉस हो गया कि कैसे हुआ, अभी कैलकुलेट किया है तो सिंपली आ गया, ये मिल रहा है क्या, दोनों कैपेसिटेंस का जो कनेक्ट करने से पहले, कनेक्ट करने के पहले वाला कैपेसिटेंस यूज हो रहा है, दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैपेसिटेंस, ध्यान दीजिए देर, समझ गए ना, ये इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, इसे नोट करिए, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। ट्रांसफर हो गया, ये है क्या, इट इज फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग द वायर ठीक है, वायर से कनेक्ट होने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा, कनेक्ट करने से अमाउंट ऑफ चार्ज तो सेम रहता है,
चार्ज अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब चार्ज का फ्लो होता है ना तो इसमें वर्क किया जाता है, वर्क होता रहता है, कुछ वर्क होता है, चार्ज का फ्लो होने में कुछ वर्क होता है और यही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाता है, और ये वायर में हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है। लॉस जो होता है, वायर हीटेड हो जाता है चार्ज का फ्लो होते होते, चार्ज का फ्लो हो रहा है जब, तो वहाँ तो वर्क हो रहा है ना, जब वर्क हो रहा है तो वो वर्क ही हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाता है, वायर गर्म हो जाता है, वायर गर्म होकर के हीट एनर्जी के फॉर्म में उसमें से लॉस हो जाता है। कितना अमाउंट, कितना एनर्जी लॉस होता है वो निकालना है, मेजर करना है। देखिए क्या होता है, लॉस ऑफ आफ्टर कनेक्टिंग वायर वर्क इज डन टू फ्लो चार्ज फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी, अमाउंट ऑफ चार्ज इज अनचेंज्ड बट पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एनर्जी ऑफ वायर, है ना, वायर के हीट एनर्जी के फॉर्म में। आगे बात समझ में, कितना होता है वो मेजर करने वाले हैं। जो कंडक्टर आपने देखा तो पहले वाले पे चार्ज क्यू वन, पोटेंशियल वी वन और कैपेसिटेंस सी वन है, और दूसरे वाले पे चार्ज क्यू टू, पोटेंशियल वी टू एंड कैपेसिटेंस सी टू है, ये है ना। जब हम इसे वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये यहां पर हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना पड़ेगा, और फिर दोनों का डिफरेंस मेजर करेंगे। बिफोर कनेक्टिंग यह है, बिफोर कनेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहां पे कनेक्शन से पहले यू वन, और पहले वाले का यू वन बराबर हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, और दूसरे वाले का यू टू बराबर हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, मतलब हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, कनेक्शन से पहले पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर लिए, और अब आफ्टर कनेक्टिंग वायर क्या होगा जरा देखते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल क्या रहता है, डिफरेंट रहता है कि सेम हो जाता है, बोलिए सेम हो जाता है ना, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। चार्ज तो Q1 डैश और इस पे Q2
टू डैश कैपेसिटेंस सी वन और सी टू रहेगा। ये कब हुआ, जब वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने पे ऐसे होता, ऐसा देखने को मिलता है। तब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी UF, और यहां पर U इनिशियल था, ये इनिशियल और फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, ये ना होगा C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। जैसे में हम V रख लेते हैं, हाफ C1 प्लस C2, V कितना है, कॉमन पोटेंशियल कितना आता, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 ना, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। समझ गया, फाइनल पोटेंशियल कनेक्ट करने के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे और कनेक्ट करने से पहले भी पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जरा देखिए, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं मैं, डेल्टा यू बराबर यू एफ माइनस यू आई, या यू आई माइनस यू एफ होगा, यू आई माइनस यू एफ ना, लॉस ना हुआ है, इनिशियल ज्यादा था फाइनल कम होगा, यू आई माइनस यू एफ होगा। UI क्या आया है, यही ना, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब इधर में लिखेंगे हाफ C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 by C1 plus C2 का होल स्क्वायर। ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे तो इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं, क्या कुछ कॉमन होगा, क्या कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पे हाफ C1 और यहाँ पर हाफ C2 है, हाफ तो दोनों साइड है तो हाफ को हम कॉमन ले लेते हैं। अब ये होगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। लॉन्ग है प्रोसेस लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, अब तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब इधर में माइनस C1 प्लस C2 और इधर वाला इतना का होल स्क्वायर है, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 और V1 V2, ये ना होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर में क्या होगा, नीचे तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इससे एक को काट दीजिए, एक ही बचेगा ना। अब इधर का, इधर तो अभी नोट मैंने किए हैं, तो यहाँ नोट कर लीजिए, फिर मैं स्पेस कम है तो इसके आगे का एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लीजिए। लॉन्ग डेरिवेशन से परेशान नहीं होंगे,
क्या होगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे इसका तो एक कैंसिल हो गया। अब एलसीएम ले ले हम, सी वन प्लस सी टू ले लें, एलसीएम एलसीएम हो जाएगा 1/2 बाहर है सी वन प्लस सी टू एलसीएम होगा, तो इस सी वन प्लस सी टू से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, माइनस दिस होगा। तो यहाँ पर सी वन प्लस सी टू इंटू सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर ये होगा। फिर देखिए माइनस उधर वाले को लिखना है, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू इतना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कॉमन ले लेंगे, ये 1/2 सी वन प्लस सी टू और इसके अंदर ये आ जाएगा सी वन प्लस सी टू से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा। सी वन से पहले दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी वन से फिर सी टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना। तो सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी टू स्क्वायर फिर प्लस अब सी टू से सी वन सी टू वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस। अब इधर जैसे वैसे ही रहने दीजिए, अरे सन में कैलकुलेशन सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर इस माइनस का अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस सी टू वी टू एस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू। इस सी वन प्लस सी टू को तो हम बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ से इसको हटा देंगे, ये सी वन प्लस सी टू तो बाहर आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा, ये आ गया अंदर। अब जरा सोचिए 1/2 सी वन प्लस सी टू है और यहाँ पे क्या होगा, सी वन सी टू वी टू स्क्वायर और सी वन सी टू वी वन स्क्वायर। पहले सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर है कहीं, यहाँ पे है ना, कर दीजिए इसको सी टू वी टू, यहाँ पर सी वन सी टू वी वन स्क्वायर या सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब जो बच गया सो लिखेंगे, क्या बच गया, सी वन सी टू वी टू स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी वन स्क्वायर और उधर में होगा माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू कहीं होगा। क्या सी वन सी टू दोनों साइड है दोनों साइड, तो 1/2 सी वन प्लस सी टू यहाँ से कॉमन होगा सी वन सी टू, अंदर बचेगा वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू होगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी वन प्लस सी टू। आगे समझ में, ये होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देख लीजिए किस फॉर्मूला ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हम
लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Before connecting, connection से पहले इस पर चार्ज क्या होगा? करा इतना माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड 200 वोल्ट, है ना, 100 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, इससे एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया। एक कैपेसिटर है, इसको क्या किया, एक इसका कैपेसिटेंस है सी बराबर 16 माइक्रोफेरड और यहां से 100 वोल्ट। इस पे चार्ज क्या होगा? सी बराबर C1V1 होगा। C1 क्या है? 16 माइनस और भी क्या है, वी वन 100 है, कितना आ जाएगा, 4 तो पॉइंट में नहीं आ रहा है, पॉइंट में लाना होगा, हो जाएगा -3। ये बताना पड़ेगा -3 क्यों आया, इतना आ जाएगा चार्ज है, इतना कूलम्ब आ गया चार्ज। अब इसे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ C1 है 16 × 10⁻⁶ और V1 है 100 का स्क्वायर। होगा निशा पोटेंशियल एनर्जी, तो इसी को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 0.08 जूल। अब क्वेश्चन हो जाएगा ना, दिक्कत होगा, पोटेंशियल एनर्जी अभी ना हम लोग प्रूफ किए हैं, समझ में आ गया होगा। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा वो बता दिए, है ना। जब ये कनेक्ट कर देता है तब उसमें क्या होगा, तब इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, जब कनेक्ट कर देगा तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आफ्टर कनेक्टिंग पोटेंशियल बिकम सेम, बोलिए, हाँ कनेक्टेड होने पर डिसकनेक्टेड, तो वही कह रहा है कि जैसे आफ्टर बीइंग डिसकनेक्टेड इट इज इमीडिएटली कनेक्टेड टू एन अनदर अनचार्ज्ड के कारण से साथ कनेक्ट हो जा रहा है, अनचार्ज के कारण। ये जो हम जैसे ही इसको डिसकनेक्ट किए, है ना, इससे ये एक दूसरे वाला
अनचार्ज वाला से कनेक्ट हो गया। ऐसा काम हुआ, अनचार्ज वाले से कनेक्ट हो गया। यहां पर अब C1 है, ये अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इस पे। जैसे ही कनेक्ट हुआ होगा तो फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, इसका भी तो सेम हो जाएगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। तो भी बराबर हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन टोटल कैपेसिटेंस का सम लिखेंगे, C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल बराबर यही ना था, कॉमन पोटेंशियल बराबर टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल था कि नहीं बोलिए। टोटल चार्ज, एक चार्ज क्यू है और दूसरा वाला पर अनचार्ज है तो जीरो ना है, है ना। तो फिर यहाँ पर क्यू डिवाइडेड बाय ये कितना है, 16 प्लस 4 बराबर क्यू कितना दिया है, 1.6 × 10⁻³। फिर आया था चार्ज, हाँ इतना डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻¹। अब इसे सॉल्व करिए, जैसे पोटेंशियल मिल जाएगा, भी मिल जाएगा ना, सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसका एनर्जी लिखेंगे, यू ए बराबर हाफ C1 प्लस C2 V² लिखेंगे, क्या बन जाएगा, 20 × 10⁻¹। और भी क्या आया जरा देखिए, भी को इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये 200 × 10⁻³ और प्लस 6, नीचे में 100 है, इसे से काटिए 2 जा 100 के बदले में 8 × 10⁻³, ये तो होगा आपका 3 और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो -2, मतलब कि ये हो जाएगा 8 × 10⁻¹, 80 जूल आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, उस कंसेप्ट को यूज किए हम लोग, नोट कर लीजिए। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल, कहीं डाउट है किसी स्टेप में तो पूछिए, लेकिन क्वेश्चन को सीखिए कि क्या किया गया है, पूछने के लिए कोई बना ही नहीं है। अगर हो गया तो आगे बढ़िए, अच्छा यहाँ पर 80 ना आया है, 80 यहाँ पर इसको रख लीजिएगा ना, 80 का स्क्वायर क्या होगा, 2.064 जूल। हो जाएगा। पोटेंशियल डिस्टेंस में डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, यहाँ पे चार्ज तो निकाल लिए हम, फिर यहाँ पर अच्छा वो कनेक्ट होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यही रह जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। कनेक्ट होने से पहले पोटेंशियल था 100 और बाद में हो गया 80, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 वोल्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लिख दीजिएगा। हाल बड़े हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। अगर हम प्लेट के बीच पहले है एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 पिको फैराड, ये बैटरी से कनेक्टेड है,